मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू जो हैं वो नॉमिनेशन के लिए निकले हैं। हम उनसे बात करते हैं। आज आप नॉमिनेशन करा रहे हैं, क्या तैयारी है, चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, चुनाव प्रचार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है हमारा। आज नॉमिनेशन के लिए हम जा रहे हैं, हमारे विधानसभा से हर प्रत्येक गाँव से हमने व्यक्ति बुलाए हैं और सब लोगों से मशवरा करके जब हम नॉमिनेशन ले करने के लिए जा रहे हैं। आप पूरा बड़ा काफिला आपका निकल रहा है, ये बताइए कि मुद्दे क्या है? कुंदरकी में उपचुनाव है तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, समाजवादी पार्टी और भाजपा के भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, तो किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं इस उपचुनाव में? हमारे मुद्दे, एक शिक्षा का मुद्दा है मेन, दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है, तीसरा विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ विकास की बहुत कमी है और शिक्षा भी बहुत पिछड़ी है और स्वास्थ्य की भी बहुत कमी है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो बोल रहे हैं, आपको पता है जो कोई भी चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो जिसका उत्तीर्ण होता है उसके साथ खड़े होते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आएंगे। क्या लगता है विपक्ष की कई पार्टियों के नेताओं के जो बयान देखने को मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि विपक्ष का जो वोटर है, मतदाता है, वो भ्रमित होगा? वो उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मैं प्रतिक्रिया कुछ नहीं दूंगा, वो उनका आपस का मामला है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें अपना चुनाव लड़ना। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी का भी कार्यक्रम लगेगा? भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम लगा है हमारे यहाँ, 24 तारीख को वो आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा हमारा प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। बसपा ने नेता चिद्दा को प्रत्याशी बनाया है, दो मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने लड़ेंगे और सपा से भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी आता है तो किस तरह से रहेगा? वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, अच्छी बात है। बाकी तो जो हमारा एससी समाज है वो भाई चंद्रशेखर जी के साथ है और पूरा समाज नगीना ने दिखा दिया है कि नगीना में हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते, वहाँ भी उनका प्रत्याशी लड़ा मात्र 13,000 वोट लेकर। वो मतलब दलित और मुस्लिम गठजोड़ जो है आपको लगता है कि जीत दिलाएगा? अल्लाह ने चाहा तो हम, ये तो पहले भी आपने देखा है जहाँ दलित और मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ तो जीत होती है, वही जीत कुंदरकी पर अल्लाह ने चाहा जल्दी होने जा रही है। कुंदरकी की जनता से क्या वादे कर रहे हैं, अगर वो विधायक बनाते हैं आपको तो क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो कराने हैं आपको? कुंदरकी की जनता से मैं ये वादा करता हूँ, जनता का मेरा परिवार है कुंदरकी, कुंदरकी में 8-10 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद खिदमत करना है, कोई राजनीति की ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे राजनीति करते हैं, मेरा जो मेन मकसद है सिर्फ खिदमत के लिए राजनीति कर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ 2-3 पोलियो की परेशानी है जो गागन निकलती है यहाँ से, जैतिया फिरोजपुर है और जैतिया सदुल्लापुर है, वो आज तक कोई भी सरकार पुलिया नहीं बनवा पाई है, वहाँ लोग किसान परेशान है। दूसरी बात, हमारे यहाँ से रामगढ़ होकर गुजरती है, हर साल प्रशासन शासन कहता है गाँव खाली कर दो और जब किसी फसल तैयार होती है किसानों की तो वो बर्बादी की तरफ चली जाती है। मुकाबला आपका किससे रहेगा इस बार? मुकाबला हमारा जिसका भी मुकाबला हमसे, हमारा मुकाबला किसी से नहीं। देखिए चांद बाबू हैं जो आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं और अपना नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, उनके साथ गाड़ियों का बड़ा काफिला है और काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। तो आज जो है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन है और जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो देखने को मिल रहा है। देखना ही होगा कि विधानसभा जो चुनावी ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।